छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में स्वच्छता दीदियाना नगर में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर से बेहतर कर रही है। नगरीय क्षेत्र नारायणपुर में 13 पंजीकृत स्वयं सहायता समूह की 45 महिलाओं द्वारा शहर में रोजाना डोर टू डोर कलेक्शन कर लगभग 4 टन कचरा इकट्ठा किया जाता है। इसमें से 1.6 टन सूखा और लगभग 2.4 टन गीला कचरा शामिल है। इनमें मुख्यतः साई शक्ति, जय लक्ष्मी सारोन, मावली माता स्वयं सहायता समूह आदि के द्वारा नगर में निकलने वाले गीले व सूखे कचरे को घरों एवं अन्य प्रतिष्ठानों से एकत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यालय के नजदीक 2 डंपिंग सेंटरों बखरूपारा और कुम्हारपारा स्थित मणि कंचन केंद्र की जागरूक महिलाएं नगर को कचरे से मुक्त कर रही हैं। वे इसी कचरे से कंचन भी बना रही हैं, यानी कि उनकी अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई 45 महिलाएं प्रतिदिन सवेरे सवेरे घरों से 4 पिकअप वैन और 9 रिक्शों के जरिए प्रतिदिन लगभग 4 टन कचरा इकट्ठा कर रही हैं। गीला एवं सूखा कचरा नीला और हरे डस्टबिन में एकत्रित कर रही हैं। वे डंपिंग सेंटर लाकर कचरे को रिसाइकल करती हैं। गीले कचरे को डूमर ताराई स्थित सॉलिड एंड कंपोस्ट वेस्ट मैनेजमेंट को खाद बनाने हेतु भेजा जाता है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी अजय लाल सिंह ने बताया कि यहां खाद का प्रोसेस कर उसे आने वाले दिनों में किसानों को वितरित कर दिया जाएगा। वर्तमान में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रति माह 6,000 रुपए का भुगतान नगरपालिका द्वारा किया जाता है। कोविड-19 के चलते सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। महिलाओं द्वारा एकत्रित कचरे को इस्तेमाल से पहले हाइड्रोक्लोरिन छिड़काव कर सैनिटाइज किया जाता है। इसके 1 घंटे के बाद स्वच्छता दीदियाना इस कचरे को छांट कर अलग अलग करती है। महिलाओं द्वारा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। नारायणपुर से संवाददाता गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट। दीदी आपका क्या नाम है और आप लोग कैसे इसमें काम कर रहे हो? तो कितने समय चला रहे हो? मेरा नाम श्रीमती प्रतिमा कतलाम है और मैं तेजस्वनी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह से हूँ और उसमें सचिव का कार्य करती हूँ समूह में। और यहाँ पर 7 समूह के मिलकर हम लोग काम करते हैं। और जैसे सुबेरे हम लोग 7 बजे आते हैं, 7 बजे आने के बाद डोर टू डोर कलेक्शन में चले जाते हैं, मतलब कि घर घर से सूखा कचरा गीला कचरा लाके उसको अलग अलग करते हैं। सूखा कचरा को मतलब कि उसका बिक्री होता है और गीला कचरा का हम लोग खाद बनाते हैं। जी, जैसे खाद बनाने के लिए यहाँ पे है क्या बना है? जी सर, बनाते हैं, टंकी बनाए हैं, उसमें हम लोग गीला कचरा को करते हैं और गीला कचरा को करने के बाद उसमें गुड़ डालते हैं, गुड़ डाल के पानी डाल के उसको मिक्स करते हैं। जी, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही काम यहाँ पे जो करने के लिए? अभी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सर, अभी ये जो कचरे से कंचन बनाया जा रहा है वो किस तरह बनाया जा रहा है और कितने महीने लोग इसमें काम कर रहे हैं? अभी वर्तमान में इसमें 49 लोगों की टीम, महिलाओं की टीम कार्यरत है संकलन सिटी अंतर्गत जी। और इसमें जैसे डोर टू डोर कलेक्शन के बाद में जो वेस्ट मटेरियल मिलता है तो उसको सेग्रीगेटेड करते हैं, जैसे लोहा, प्लास्टिक और अन्य जो सामान है, अन्य धातु वगैरह के जो रिसाइकल होने के लिए जा सकता है उसको पुनः रिसाइकल के लिए भेज देते हैं, रीयूज़ के लिए भेज देते हैं, सेल आउट कर लेते हैं और उसको विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसको भी महिला स्व सहायता समूह के उपयोग के लिए उनको आपस में बांट लेते हैं। साथ ही जो गीला वेस्ट है उसको खाद, जैविक खाद बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार जो है वेस्ट मटेरियल को पुनः उपयोग करने के लिए, जिससे प्रदूषण भी कम होता है और उससे उपयोगी उनको आय अर्जन होता है, इस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.